हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको जानकारी बताने वाला हूँ, तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे कि जिन भी काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर दिया होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो लास्ट टाइम का जो है वो वेट कर रहे होंगे कि मैं हम जो है लास्ट में फॉर्म भरेंगे। तो हरियाणा पुलिस की जो कांस्टेबल की जो भर्ती आई है वो काफ़ी टाइम हो गया है, करीबन आप लगाइए कि 20 दिन हो गया है इसको जो है फॉर्म को भरते हुए। इसका जो नोटिफिकेशन जो है 11 तारीख से आया था और आज जो है 1 तारीख हो गई है, 1 फरवरी हो गई है और 10 दिन ही बचे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है जिन भी बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, मैं उनसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको इस भर्ती के लिए जो है अप्लाई करना था तो आप जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसकी साइट जो है दिन पर दिन जो है वो काफ़ी व्यस्त होती जा रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वैसे जो है मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बना के दे दी थी, बट किसी भी बच्चे ने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब जो है आप इस वीडियो को देखना और इस वीडियो में भी जो है आपको पूरी एक एक बारीक की पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको इसमें किन किन बच्चों को फॉर्म भरना चाहिए, किन को नहीं भरना चाहिए, एज लिमिट क्या है और गर्ल्स के लिए सही होगा या किस के लिए सही होगा। तो बच्चा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड की जानकारी जो है आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं फिर वीडियो। फ्रेंड्स, हरियाणा पुलिस HSSC मेल फीमेल कांस्टेबल, यानी जो भर्ती है, साफ साफ शब्दों में कहें तो हरियाणा पुलिस में जो है कांस्टेबल के पदों पे जो है ये भर्ती है और इसको जो है मेल और फीमेल, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप दोनों जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि सर इसका नोटिफिकेशन बताइए, इसका नोटिफिकेशन कब आया और कब नहीं आया। मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेट के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ आप जो है वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको इसका जो है पूरा प्रोसेस बताऊँगा। तो जैसा कि मैंने बताया, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2020 शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन। यानी नोटिफिकेशन तो मतलब ये जो भर्ती जो इसका जो मतलब नोटिफिकेशन जो है वो पहले रिलीज कर दिया था, लेकिन ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो 11 तारीख से हुए हैं और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 10 फरवरी 2021। जिन भी बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, 20 दिन हो गए हैं इस फॉर्म को चलते हुए, तो मैं दिन पर दिन देखता रहा हूँ कि इसकी जो साइट जो है वो काफ़ी व्यस्त जा रही है, मतलब बहुत लोड ले रही है। एक आप ये मान के चलिए कि अगर आप एक फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर रहे हैं तो बहुत टाइम ले रही है। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन भी बच्चों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, अब वो डालना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी डाल दें, क्योंकि जो है लास्ट टाइम पर जो है वो व्यस्त और इससे भी ज़्यादा आने वाली है। तो नोटिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर बता रहे थे फ्रेंड्स। इसके बाद जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूँ, मैं आप अब जो है इसको बारीकी से समझा रहा हूँ इसका पूरा नोटिफिकेशन। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं कि 11 तारीख से इसका जो है फॉर्म स्टार्ट हो गया था और 10 फरवरी 2021 जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अगर आप फीस पेमेंट 13 तारीख, 2 दिन और एक्स्ट्रा दे दिए हैं इन्होंने फीस पेमेंट के, और एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड अभी तक जो है बता ही नहीं गए कि कब जारी किया जाएंगे, कब जारी नहीं किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स की बात रही। 11 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, 11 जनवरी से, और 10 फरवरी 2021 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 13 फरवरी 2021 तक आप जो है फीस की पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस। सर आप हमें जो है इसका एप्लीकेशन यानी फॉर्म तो हम भर देंगे, लेकिन हमें फीस कितनी देनी होगी, तो मैं वो भी बता देता हूँ। अगर आप जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जिसे कहते हैं सामान्य अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, और आप किसी अदर स्टेट से हो, आप अदर स्टेट से हो, तो भी जो है आपको 100 रुपये देने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
₹100 देने होंगे जनरल एंड अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। अगर फीमेल फीमेल है हरियाणा जनरल मतलब अनरिजर्व जो फीमेल हैं वो हरियाणा की है तो उनके लिए जो है ₹50 रखा गया है, उनके लिए जो है ₹50 रखा गया है। और जो रिजर्व कैटेगरी में फीमेल आती हैं उनके लिए जो है ₹13 जो है फीस रखी गई है, ₹13 जो है वो फीस रखी गई है। मैं एक और बार बता देता हूँ जिन भी बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया, जनरल और अदर स्टेट में जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे उनसे जो है ₹100 लिए जा रहे हैं। फीमेल जो हरियाणा की है और जनरल कैटेगरी के हैं उनकी जो है ₹50 जो है फीस लगेगी, और अनरिजर्व कैटेगरी के मेल के लिए जो है ₹25 और फीमेल के लिए जो है ₹13 जो है आपको फीस पेमेंट देनी होगी। तो ये तो रही फीस की बात, अब बात करते हैं एज लिमिट की कि एज लिमिट आपकी क्या रखी जाएगी और क्या रखी गई है। ठीक है, एज की बात कर सकते हैं। तो इसमें जो एज रखी गई है कम से कम 18 और मैक्सिमम जो यानी बात करें सीधे सीधे शब्दों में बात करते हैं तो 18 से 25 ईयर तक जो है आप इसका जो भी बच्चे जो हैं 18 से 25 वर्ष के हैं वो इसका फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC में आते हैं तो आपके लिए जो एज 28 हो जाएगी, अगर आप SC ST में आते हैं तो आपके लिए जो है 30 हो जाएगी। आप इसका फॉर्म भारत के किसी भी कोने में रहते हों तो आप इसका फॉर्म जो है बेशक भर सकते हैं, आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कहीं से भी हो, चाहे आप UP से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, बट आपको जो है जनरल कैटेगरी में ही जो आपको फॉर्म भरना होगा। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, इसका फॉर्म जो है आपको जनरल कैटेगरी में भरना होगा। आप भारत के किसी भी कोने से इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब वैकेंसी की डिटेल बात करते हैं कि सर वैकेंसी इसमें कितनी आई है। तो वैकेंसी की बात करें तो 7298 वैकेंसी जो है हरियाणा कॉन्स्टेबल में आई है, 7298 यानी 7298 जो है बहुत बड़ा जो है नंबर होता है वैकेंसी का। अभी मैं आपको जो है इसकी वैकेंसी की डिटेल बताता हूँ कि GD में कितनी आई है और दरोगा में कितनी है और कितनी कितनी वैकेंसी इस बार दी गई है। कॉन्स्टेबल मेल GD की बात करें तो 5500 वैकेंसी है इसमें, और क्राइटेरिया क्या है, आपको सिर्फ 12वीं पास चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से पास हो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 12वीं पास चाहिए, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से पास हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, ओपन बोर्ड से हो, या प्राइवेट से आपने पास किया हो, आपकी कंपार्टमेंट भी आई हो, फिर आप जो है पास हो गए हो, बस 12वीं पास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कॉन्स्टेबल GD में जो है 5500 वैकेंसी है, कॉन्स्टेबल फीमेल GD में जो है 1100 वैकेंसी है, और कॉन्स्टेबल फीमेल दरोगा है तो इसमें जो है 698 जो है वो वैकेंसी है। आपको जो है इसमें 12वीं पास चाहिए। अभी जो है मैं आगे आपको जो है इसमें फिजिकल की जानकारी दूंगा कि इसमें जो है फिजिकल में आपका कितनी दौड़ होगी, कितनी लॉन्ग जंप होगी, मतलब कितना कितना होगा, अभी मैं जो है आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो ये सारी है, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, ये सारी आप देख लेना, मतलब सभी कैटेगरी में जो है वैकेंसी रखी गई है। सबसे ज़्यादा देखिए जनरल में वैकेंसी होती है, 1980 वैकेंसी उसमें है, SC में 990, तो ऐसे जो है इसमें सारी वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है। आप ये लगा लिए 8000 के समथिंग जो है वैकेंसी है, 7300 वैकेंसी जो है कम नहीं होता है ना। तो आप ने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए, और जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है वो जो है तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि इसकी जो सिलेबस है वो भी जो है मैं आपको जल्द से जल्द जो है इस मतलब इस चैनल पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल की कि फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल में क्या नहीं होगा। ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनना इसका फिजिकल, क्योंकि इसका फिजिकल जो है बहुत ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको जो है दिक्कत आने वाली है, फिर आप बार बार पूछते रहोगे तो फिर जो है मेरे को दिक्कत हो जाएगी एक एक बच्चे को समझाने में। सबसे पहले बात करते हैं हाइट। अब मैं सबसे पहले जो हाइट की बात करता हूँ तो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए हाइट की, हाइट मेल के लिए जो है 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। कैटेगरी ऑफ मेल कैटेगरी 168 मेल के लिए जो है इसमें जो है 170 और 168 जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए। फीमेल के लिए जो चाहिए इसमें 158 सेंटीमीटर
और जो रिजर्व कैटेगरी में जो फीमेल आती हैं उनके लिए जो चाहिए 156, ठीक है। चेस्ट की बात करें तो 83, और फुलाने के बाद जो है 87, और कैटेगरी वाले मेल मेल के लिए 81, और फुलाने के बाद जो है 85। अभी मैं एक बार और रिपीट करवा दूंगा अभी आपको। और इसमें जो है रनिंग भी होगी, ढाई ढाई किलोमीटर की रनिंग है, जो आपको जो है 12 मिनट में जो है वो आपको पूरी करनी है। फीमेल के लिए जो है 6 मिनट 1 किलोमीटर की रनिंग है, इसमें आपको जो है 6 मिनट का जो है आपको समय दिया जाएगा इसको जो है पूरा करने के लिए। मैं अभी जो है आपको एक और बार बता देता हूँ, किसी भी बच्चों को अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक और बार बता देता हूँ। हाइट 170, रिजर्व कैटेगरी 168, हाइट फीमेल के लिए 158, रिजर्व कैटेगरी वाले जो फीमेल है 156। चेस्ट फीमेल के लिए नहीं चाहिए होती, मेल के लिए चाहिए होती है 83, 87 फुलाने के बाद, और रिजर्व कैटेगरी वाले मेल के लिए 81, और फुलाने के बाद 85। रनिंग मेल के लिए 12 मिनट का समय दिया जाएगा और 2.5 किलोमीटर की आपको दौड़ लगानी है। फीमेल के लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा, 1 किलोमीटर की आपको दौड़ लगानी है, ठीक है। तो ये तो इसका जो है पूरा नोटिफिकेशन है ना। मैंने जो है आपको पूरी बारीकी से जो है इसका नोटिफिकेशन बता दिया है। तो आज जैसे 1 तारीख हो गई है, 1 फरवरी है आज, तो अभी जो है आप पे जो है 10 दिन का समय है। आप जो है इस वीडियो को जो है इतना शेयर करें ताकि जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि लास्ट टाइम पे भरेंगे, या कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वैकेंसी आ भी रखी है या नहीं आ रखी है, क्योंकि वो जो है प्राइवेट जॉब करते हैं कि उन्हीं में सुबह जाना होता है शाम को आना होता है, उनको टाइम नहीं मिल पाता। एक आध दिन संडे का टाइम मिल पाता है, तो उसमें भी जो है वो उतना टाइम नहीं दे पाते। तो आपको जो है जिन भी बच्चों को नहीं पता, पहले तो आप ये वीडियो जो है उन पे शेयर करें ताकि जो है उनको भी जो है वो पता चल सके। और इसका फॉर्म जो है 11 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 10 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है। फीस पेमेंट आप 13 तारीख तक कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप सेम जब फॉर्म भरे जब ही आप फीस पेमेंट कर देना, कोई लास्ट टाइम का जो है वेट मत करना। लास्ट टाइम पे सर्वर चले ना चले है ना, कुछ पता नहीं होता सर्वर का चले ना चले, क्योंकि अभी देखिए कल जैसे लास्ट डेट SSC CGL की जो है कल लास्ट डेट थी, तो उसका जो है सर्वर चल ही नहीं रहा था, काम ही नहीं कर रहा था। कुछ बच्चे ऐसे हैं वो फीस की पेमेंट ही नहीं कर पाए, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो फॉर्म ही नहीं भर पाए। तो मैं वही बोलता हूँ कि आप लास्ट टाइम का जो है वेट मत कीजिए, आप इस फॉर्म को जो है पहले ही भर देना ताकि जो है कोई भी दिक्कत जो है वो ना हो। अगर किसी भी बच्चों को जो है मैंने जो है इस वीडियो में जो है सारा टॉपिक जो है सब इस भर्ती के रिगार्डिंग जो है अगर आपका एक भी डाउट हो तो आप मेरे को बता देना। वैसे जो है मैंने आपको जो है सारा कवर किया, A to Z जो है मैंने आपको सारा कवर किया है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता किसी भी बच्चे में तो वो जो है मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर जो है मेरे को ये समझ में नहीं आया। मैं उस बच्चे का जो है उसी टाइम रिप्लाई करूंगा और मैं बताऊंगा कि बस आपसे जो है मेरे को हाथ जोड़ के मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि बस आप जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे शेयर करना ताकि जो है उनकी भी मदद हो सके। इसमें जो है हमारा कुछ नहीं जाता, ना ही हमें सब्सक्राइबर का पैसा मिलता है, ना हमें लाइक का मिलता है, ना ही कमेंट पैसा नहीं मिलना बच्चा, बस आपकी जो है आप एक जो है सरकारी नौकरी ले लो। मेरी जो है यही रिक्वेस्ट रहती है कि हर एक बच्चे पे जो है एक गर्व से बोल सके कि मेरे पे जो है एक गवर्नमेंट जॉब है। तो फ्रेंड्स एंड करते हैं इसी के साथ, और किसी को नहीं समझ में आता है वो जो है कमेंट सेक्शन पे बता देना, मैं उसका जो है रिप्लाई देने की जो है जरूर जरूर कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर और वीडियो के साथ, और आप ऐसे ही देखते रहिए वीडियो को और शेयर करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद फ्रेंड्स।